Hello everyone and welcome all to our new video. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. इससे पहले आपको साइंस की सारी वीडियोस दे दी गई हैं. आई होप ये लास्ट चैप्टर है, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. आपको जो भी डाउट्स होता है चैप्टर में, आप मेक श्योर करें कि उसे कमेंट कर दिया करें, ताकि आपको उसके रिगार्डिंग क्वेरीज आपकी क्लियर कर दी जाए. तो आप कमेंट करना ना भूलें, दूसरों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है. आईटी वीडियोस बन रही हैं आपके लिए और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशंस चालू कर दिए जाएंगे कल परसों से, ठीक है. तो आप पूरे मार्च मंथ और हाफ अप्रैल मंथ में आप पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कर लोगे, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. स्टूडेंट यहाँ से सुनिएगा. तो सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं चैप्टर दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको, हमको ऐसी क्या जरूरत है कि हम क्लासीफाई करें एलिमेंट्स को. एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की जरूरत ही क्या पड़ी स्टूडेंट्स, है ना. नहीं स्टूडेंट्स, क्लासीफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. क्यों ज़रूरी है अब सुनिए. अगर मैं बात करूँ ओल्डन टाइम्स की, तो जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी शुरू होना शुरू हुई थी, तो सोडियम हो रहा हो, पोटेशियम हो रहा हो, लिथियम हो रहा हो, है ना, कोबाल्ट हो रहा हो, निकिल हो रहा हो, इन सब का जब डिस्कवरी शुरू हुआ स्टूडेंट्स, तो जो जो साइंटिस्ट इसको डिस्कवर कर रहे थे, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी लिख के जा रहे थे, ठीक है. और क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, अब क्या था कि अब आपको अगर सोडियम चाहिए, सोडियम के बारे में रिसर्च करना है, मैं दूसरा साइंटिस्ट और मुझे सोडियम के बारे में सर्च करना है, तो मुझे सोडियम की पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, और ये जो है टाइम कंज्यूमिंग होगा स्टूडेंट, टाइम कंज्यूमिंग होगा. एंड ऐसा भी होगा स्टूडेंट्स कि मेरे पास अगर सोडियम की बुक अभी नहीं है अवेलेबल, हो बाद में लिथियम की सिर्फ हो मेरे पास, इस टाइप से यहाँ पे क्या हो, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने लगा स्टूडेंट्स, ठीक है. तो ये हम लोग को लगने लगा कि नहीं भैया, अब हम लोग एलिमेंट्स की सिस्टमैटिक स्टडी नहीं कर पा रहे. तो तब इंट्रोड्यूस हुआ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए स्टूडेंट. तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन के लिए स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स हमारे लैवोजियर साहब ने. तो लैवोजियर साहब आए और उन्होंने बोल के चले गए कि दो टाइप के हमारे पास एलिमेंट होंगे, या तो वो मेटल होगा, ठीक है स्टूडेंट, या तो वो मेटल होगा या तो वो नॉन मेटल होगा. ये दो टाइप के हमारे पास एलिमेंट पाए जाएंगे, लैवोजियर साहब ये बोल के चले गए. बट फर्दर हमको मेटलॉइड्स मिला, नॉन मेटल और भी बहुत सारी चीज़ें मिली, इसीलिए हमको क्लासिफिकेशन और आगे करना शुरू किया. और क्लासिफिकेशन के बीच में डोर डाली, दैट इज डोवर्नियर साहब ने अपने ट्राइड से इसकी स्टार्टिंग की, इसकी नींव रखी. तो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी पता चल गया ना, ताकि एक सिस्टमैटिक हो सके स्टडी एलिमेंट की, और उसको स्टडी करने में किसी को भी किसी तरह की समस्या ना आए स्टूडेंट्स, इसीलिए दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. चलिए अब स्टार्ट करेंगे डोवर्नियर ट्राइड्स से. तो डोवर्नियर ट्राइड्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी कंसेप्ट है, क्योंकि जब क्लासिफिकेशन की बात आई थी तो डोवर्नियर साहब ने भी अपना क्लासिफिकेशन दिया, और डोवर्नियर साहब का फुल नेम था जोहान वुल्फगैंग डोवर्नियर, अ जर्मन केमिस्ट क्लासिफाइड द नोन एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ थ्री ट्राइड्स. यहाँ पे ट्राइड्स होना चाहिए स्टूडेंट्स, लिखा हुआ नहीं है, ठीक है. क्या बोला उसने कि मैं क्या करता हूँ, अब मैं आप लोग को पीरियोडिक लॉज देता हूँ, मैं अब इसको क्लासीफाई करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स. तो डोवर्नियर साहब ने क्या कहा कि देखो भाई, अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लोगे इनक्रीजिंग एटॉमिक मास में, दो एलिमेंट लोगे इनक्रीजिंग एटॉमिक मास में स्टूडेंट्स, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में कोई दो एलिमेंट्स लोगे तो क्या होगा, अगर आप फर्स्ट और सॉरी दो एलिमेंट्स नहीं स्टूडेंट्स, तीन एलिमेंट्स लेना है आपको, तीन एलिमेंट्स लोगे तो क्या होगा, इसमें फर्स्ट और लास्ट के एलिमेंट का जो एवरेज है, जो अर्थमेटिक मीन है, वो जो है आपके मिडिल वाले की इक्वल हो जाएगा. जैसे कि मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स तीन ए बी सी, ठीक है, तो मैं करूँगा ए प्लस सी बाई टू ना स्टूडेंट, अरिथमेटिक मीन ऐसे निकालते हैं, वो बी के एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स. ये डोवर्नियर साहब ने बोला कि अगर आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करते हो और आप कोई थ्री उठाओगे एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, दैट इज उसके बीच का जो एलिमेंट है यानी ए प्लस सी बाई टू जो है हमेशा बी के एटॉमिक मास के इक्वल होगा,
तो जब डोमनियर साहब ने ये बोला तो सब लोग इसे बहुत अच्छे बोलने लगे कि अब क्लासिफिकेशन इजी हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कुछ भी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या था पहले देख लेते हैं डोमनियर के टाइप्स का, जैसा किया तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन ईच ट्राइड आर सिमिलर, क्या था प्रॉपर्टी जो था एलिमेंट का ईच ट्राइड में सिमिलर था। और ट्राइड कितना बना पाए स्टूडेंट, सिर्फ 3 ही ट्राइड्स बना सके, एलिमेंट उससे कई गुना ज्यादा थे, 9 ही एलिमेंट्स नहीं थे, 56-58 के आसपास एलिमेंट थे स्टूडेंट, सो उसका ये ट्राइड्स नहीं बना पाए, ठीक है सिर्फ 3 ही, 3 9 बना था आपका ट्राइड्स, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला इन्होंने, प्रॉपर्टी नंबर 2 कि द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज रफली एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स, बोला कि रफली जो है उसका एवरेज निकालोगे ना बीच वाले का, तो वो पहले और दूसरे वाले का अरिथमेटिक मीन होगा, ठीक है। उसने बोला चलो ये कुछ हद तक काम किया था स्टूडेंट, ठीक है पूरी तरह से भी फेल नहीं होता, कुछ हद तक ये काम किया था। तो एलिमेंट जैसे कि लिथियम उठाया, ठीक है लिथियम उठाया तो लिथियम जो हमको मिला था वो 6.9 मिला था, है ना। सोडियम देखा तो 23.0 है, पोटेशियम देखा 39.0 है। तो अब स्टूडेंट्स इसका ट्राइड्स बनाइए, तो लिथियम कितना है, लिथियम को ए मानिए, सोडियम को बी और पोटेशियम को सी, तो लिथियम कितना है 6.9, पोटेशियम को प्लस कीजिए 39 अपॉन में 2 कीजिए स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज आप प्लस करके देखिए, दैट इज ठीक है स्टूडेंट्स आप इसको क्या कीजिए, दैट इज आप इसको प्लस कीजिए, ये क्या आ रहा है 45.9 के आसपास आ रहा है स्टूडेंट, है ना 45.9 बाय 2 कीजिए इसका, तो रफली ये 23 के इक्वल आ रहा है, 23 × 2 क्या होता है स्टूडेंट्स 46, और ये 45.9 रफली किसके इक्वल आ रहा है 23 के, और सोडियम का भी लकी 23 है, ठीक है ये मिल गया था डोमनियर साहब को, है ना। फिर कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और बेरियम लिया गया, तो कैल्शियम लेते हैं तो कैल्शियम का था 40.1, बेरियम का लेते हैं 137.3, इसका जब अरिथमेटिक मीन निकालोगे स्टूडेंट्स हमेशा इक्वल होगा 87.6 के, रफली इक्वल होगा, ठीक है इक्वल या फिर अप्रोक्सीमेट उसी के इक्वल होता है। तो ऐसे करके उन्होंने 3 ट्राइड्स बना डाले थे और वो थोड़े काम के भी थे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे आगे बढ़ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। अब ये तो उन्होंने लॉ तो दे दिया था डोमनियर साहब ने, अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी आ गए। तो लिमिटेशंस क्या क्या था डोमनियर ट्राइड्स का स्टूडेंट्स, एक ही लिमिटेशन था कि डोमनियर जो थे वो कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स तक ही, और उसके आगे वो नहीं कर पाए, ठीक है स्टूडेंट्स ये उसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, इसलिए ये फेल हो गया और इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। चलिए तब आ गए हमारे, दैट इज हमारे न्यू साइंटिस्ट आ गए ना न्यूलैंड, और न्यूलैंड साहब ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स लेकर के आ गए। न्यूलैंड साहब अब आ गए लॉ ऑफ ऑक्टेव्स लेकर के। न्यूलैंड जो है एक जो है न्यूलैंड उनका पूरा नेम है, एन इंग्लिश साइंटिस्ट अरेंज द नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ये न्यूलैंड जो है वो कौन है, एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, इंग्लिश केमिस्ट है, जिन्होंने अरेंज किया एटॉम एक मासेस के ऑर्डर में स्टूडेंट्स को 8-8 के ग्रुप में, और उसको बोला ऑक्टेव, म्यूजिकल नोट्स के बेसिस पे, म्यूजिकल नोट्स के बेसिस पे न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव दिया स्टूडेंट्स, ठीक है म्यूजिकल नोट्स की मदद से, ठीक है म्यूजिकल नोट्स जैसे कि क्या होता है हमारे यहाँ सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना वैसे ही वहाँ क्या हुआ था हुआ करता था स्टूडेंट्स, तो डो रे मी फा सो ला टी ऐसे करके, तो बोला कि जो ये डो है वो वापस से रिपीट करेगा, हम बोलते हैं ना सारे गामा पाधानी सा, फिर जो वो सा होगा वो सा और सा एक साथ रिपीट करेगा, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ, इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ मैच करेगा, और ये काफ़ी हद तक सही भी हुआ था स्टूडेंट्स, ये आगे जाके हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो इसी को उन्होंने बोल दिया कि न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव यही है कि म्यूजिकल नोट्स के बेसिस पे मैं इसको अरेंज करता हूँ स्टूडेंट्स। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। तो न्यूलैंड जो थे, न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने कंटिन्यू किया था एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन टू थोरियम, हाइड्रोजन से थोरियम तक उनका लगभग सही चला गया, जो उन्होंने 8-8 का बनाया तो हाइड्रोजन से थोरियम तक ठीक गया, ठीक है स्टूडेंट बट कुछ लिमिटेशंस है आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट सिमिलर द दोज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि हाइड्रोजन की फ्लोरीन से मिलती थी, फ्लोरीन की क्लोरीन से, है ना।
क्लोरीन की ब्रोमीन से बोलती थी स्टूडेंट, ये अभी पढ़ेंगे, ये आपको लग रहा होगा ना कि ये तो मैच नहीं करता, यही इसका लिमिटेशन था। ठीक है स्टूडेंट, देखो इस टाइप से मिल रहा था, या देखो लिथियम का सोडियम से मिलता है, सोडियम का पोटेशियम से मिलता है, पोटेशियम का रुबीडियम से मिलता है ना, कॉपर से तो नहीं मिलता है। ठीक है, ये और ये इसकी प्रॉपर्टी मिलती है काफ़ी हद तक। तो इस टाइप से उन्होंने बनाया था म्यूजिकल नोट्स, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक जो सही भी था, बट इसमें बहुत सारी लिमिटेशन आ गई थी, वो हम देखेंगे। जैसे कोबाल्ट एंड निकिल को यहाँ प्लेस कर दिया इसने, या कॉपर को रख दिया, या जिंक को रख दिया जो कि इसके लायक ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसने सी एंड एल को दोनों एक साथ रख दिया है, सो सीजियम और दैट इज लैथेनम को एक साथ रख दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इसके कारण दिक्कत होनी शुरू हो गई स्टूडेंट्स, उन्होंने खुद ही अपने लॉ को तोड़ दिया। ठीक है, क्या एट प्रॉपर्टी तो दे रहा था, बट यहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशन आ गई थी न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव में भी, कि कोबाल्ट निकिल उन्होंने दे दिया है ना, सो ऐसे वो भी अच्छी तरीके से अरेंज नहीं कर पाए, दो से तीन उनके भी बन पाए म्यूजिकल नोट्स के बेसिस पे। ठीक है, न्यूलैंड साहब के, ठीक है, और न्यूलैंड साहब जो थे बड़े होशियार निकले। न्यूलैंड साहब ने बोला कि यही अब सत्य है, इसके बाद न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हो सकते, इतना ही दुनिया में एलिमेंट है, अब इसके बाद न्यू एलिमेंट नहीं आ सकता। और ये भी इसका लिमिटेशन माना स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है सत्य कि न्यूलैंड ने जो है क्या किया है, न्यूलैंड के बाद बहुत सारी डिस्कवरीज हुए है ना, तो ऐसा प्रिडिक्शन भी इन्होंने किया था, बट वो सही नहीं निकला स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई लिमिटेशंस है। चलिए आगे चल के पढ़ते हैं आराम से कि लिमिटेशन हो है थी क्या। तो स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ेंगे लिमिटेशन, दैट इज पहला लिमिटेशन, द लॉ वॉज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम ओनली, कैल्शियम तक ही लॉ काम किया। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड लिमिटेशन क्या है, इट कंटेंट ओनली 56 एलिमेंट, 56 एलिमेंट था, फर्दर इट वॉज एज्यूम बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन। नेक्स्ट पॉइंट, द नेचर ऑफ मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। ओके, तो इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ गया होगा कि न्यूलैंड के जो ऑक्टेव्स थे उसमें 56 एलिमेंट थे, जिन्हें उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया कि 56 एलिमेंट है, उन्होंने एज्यूम किया था कि 56 ही एलिमेंट दुनिया में है और न्यू एलिमेंट नहीं आए। ठीक है, तो ये लिमिटेशन उनकी बनी, नेचर एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन नेचर, ये उन्होंने बोला, इसकी वजह से उनकी लिमिटेशन आ गई। नेक्स्ट थिंग इज टू फिट, ओके नेक्स्ट पॉइंट है टू फिट एलिमेंट्स इन टू टेबल, न्यूलैंड एडजस्टेड टू एलिमेंट इन द सेम स्लॉट एज पुटसम, जैसे कोबाल्ट और निकिल को एक जगह दो दो घुसेड़ दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना स्टूडेंट्स। चलिए, अनलाइक एलिमेंट अंडर द सेम नोट, फॉर एन एग्जाम्पल आयरन कोबाल्ट निकिल, ये सब तो अनलाइक एलिमेंट्स थे जो कि वहाँ पे प्लेस कर दिया था, ये एक लिमिटेशन है। अगर आप अल्कलाई मेटल के साथ इन सारे मेटल को रख दोगे तो एक बात बनेगी क्या, नहीं बनेगी बिल्कुल भी, ये एक लिमिटेशन निकला। प्रॉपर्टीज हैज बीन प्लेस डिफरेंटली अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट, प्रॉपर्टी बहुत ही सबकी अलग थी, कोबाल्ट निकिल की आप कहाँ अल्कलाई मेटल और कहाँ कोबाल्ट निकिल अलग ग्रुप के आपके एट के है ना डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ आप एस ब्लॉक से मैच करवाओगे, तो ये सारी इसकी लिमिटेशन बनी न्यूलैंड का लिमिटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ लिमिटेशंस है और जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया बस उतना ही। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये समझ में आ गया हो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, और आपने देख लिया हो न्यूलैंड का टेबल, ये देखिए न्यूलैंड का टेबल यही है। ठीक है, और ये मैंने आपको अभी अंडरलाइन करके बताया भी था। चलिए अब स्टार्ट करेंगे, द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है दामित्री मेंडेलीव का, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विद मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करते हैं, तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, तो मेंडेलीव कौन थे, मेंडेलीव दामित्री आयोनिक मेंडेलीव अ रशियन केमिस्ट वाज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट वेयर इन द एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड ऑन द बेसिक ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या है स्टूडेंट्स, दामित्री मेंडेलीव जो थे वो एक पहले रशियन केमिस्ट थे जिन्होंने इसको एक बहुत ही अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द एटॉमिक मासेस। तो मेंडेलीव ने एक पीरियोडिक लॉ दिया था कि द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, है ना। चलिए, पीरियोडिक फंक्शन किसके होते हैं एलिमेंट्स, उसके एटॉमिक मासेस का, और यही बाद में जाकर के लिमिटेशन बना, और उसको जाकर के जो हमारे कौन है हेनरी मॉस ने उसने उसको एटॉमिक नंबर में चेंज किया। ठीक है, तो अभी जाके आगे पढ़ेंगे, तो दामित्री मेंडेलीव ने अभी एटॉमिक मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज को अभी क्या माना है, क्लासिफिकेशन का बेसिस माना है, क्लासिफिकेशन का बेसिस माना है मेंडेलीव ने किस चीज़ को, एटॉमिक मास को और केमिकल प्रॉपर्टीज को, कि जो भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट की, है ना, तो उसको क्या मान लिया उन्होंने कि वही उसके दैट इज
पीरियोडिसिटी का कारण है। तो वो बोला था मेंडेलीव ने, मेंडेलीव ने पीरियोडिक लॉ दिया था कि पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, बट हेनरी मॉस्ली ने उसे सुधारा ऑफ द एटॉमिक नंबर, फिर जाकर के अच्छे से क्लासिफिकेशन हुआ। लेकिन हालांकि जो मेंडेलीव जो थे ये कमाल के आदमी थे, इनकी प्रिडिक्शन एंड इनकी अरेंजमेंट कमाल की थी, इसीलिए इनका 100% सही नहीं था, तो 100% तो मॉस्ली का भी सही नहीं है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के स्टूडेंट्स। तो मेंडेलीव अरेंज्ड ऑल 63 64 एलिमेंट उस वक्त नोट थे, तो उन्होंने उसको अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे सबसे पहले, है ना। अब उन्होंने क्या किया, द टेबल कंटेंट 8 वर्टिकल कॉलम एंड 7 हॉरिजेंटल ग्रुप्स, जिसको उन्होंने पीरियड दिया, रो और पीरियड का बात यही लेके आए थे। मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में पूरे 8 वर्टिकल कॉलम्स थे ऊपर ऊपर वाले, है ना, इस टाइप से, और 7 वर्टिकल ग्रुप्स थे इस टाइप से, है ना, इस टाइप से 7 थे, जिसको पीरियड उन्होंने बोला और हम आज भी उसको पीरियड और ग्रुप ही बोलते हैं। एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी केम अंडर सेम ग्रुप, एलिमेंट जिसकी सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वो सेम ग्रुप के अंदर आते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, है ना, ये सारी ऐसे करके चलती जाती है, है ना। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया स्टूडेंट्स, वेरी मिस्टेक। आपका क्या है, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, ऐसे करके चलती चली जाती है। फिर आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, इस टाइप से। तो एक साथ जो भी आ रहे थे उसको एक ही ग्रुप में और या एक पीरियड में वो डाल रहे थे विद द बेसिस ऑफ देयर केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल ऐसे करके उन्होंने बनाया कि हम जो है क्या करेंगे, रोज का यूज करेंगे, हम लोग ग्रुप्स का यूज करेंगे, पीरियड्स का यूज करेंगे, है ना, वर्टिकल कॉलम्स का यूज करेंगे, और जाकर के उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट को जो है अच्छे से क्लासिफाई करेंगे, अच्छे से उसको अरेंज करेंगे स्टूडेंट्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, मेंडेलीव ने ये बातें बोली थी और ये काफ़ी काम की बातें हैं जो आपको भी पता होनी चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये आई होप कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की वो क्लियर हो रही है। क्यों, आप इसको इमेजिन करके देखो कि एक अदर एलिमेंट्स को एक जगह बस एक पेपर में ला करके रख देना, उसकी पीरियोडिसिटी बता देना, वो सब कमाल का बात है स्टूडेंट्स, एक जगह अपने सिस्टमेटिक स्टडी। तो इनको क्या हमें थैंक यू बोलना चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। मेंडेली पीरियोडिक लॉ क्या था, मेंडेली पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, नहीं एटॉमिक नंबर। दमित्री मेंडेलीव ने बोला कि एटॉमिक मासेस, यही उनका लिमिटेशन बन गया स्टूडेंट्स, हालांकि बाद में देखेंगे, अभी समझते हैं। तो जैसा ही उन्होंने बोला, तो उन्होंने सबसे पहले देखो कितने ग्रुप्स बनाए थे स्टूडेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया था, केमिकल प्रॉपर्टी जानने के लिए उन्होंने ऑक्साइड्स भी देखे कि वो जो एलिमेंट है उसके ऑक्साइड्स का नेचर क्या है स्टूडेंट्स, या फिर हाइड्राइड जो है उसका नेचर क्या है स्टूडेंट्स, है ना, ऑक्साइड या फिर हाइड्राइड का यहाँ पे नेचर क्या है वो उन्होंने देखा, ठीक है। तो ग्रुप वन में उन्होंने R2O बनाया ऑक्साइड, और RH क्या बना उसका हाइड्राइड, तो अब H2O बनता है, और क्या बनता है HH, है ना स्टूडेंट्स, और अगर NaH बनाएगा ये Na2O बनाता है, बिल्कुल सही है। तो ये पीरियोडिक टेबल आपके पास हो तो आप हाइड्राइड और ऑक्साइड ईजिली किसी भी एलिमेंट का बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको याद करना, ठीक है। चलिए अब सेकेंड में देखो, RO है तो BeO होता है, BeH2 होता है, ऐसे करके बनाता है ना बेरिलियम काफी। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल है, उन्होंने उनका उनका ऑक्साइड और हाइड्राइड देखो किस लाइन में अरेंज किए हुए, RO, R2O, RO2O3, RO2, R2O3, इस टाइप से उनका चलता गया, R2O7, RO4, ऐसे करते, है ना। चलिए R जो है, R वहाँ का एलिमेंट है, R एलिमेंट है, R की जगह आप कुछ और पुट कर दो, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, कुछ भी रख दीजिए वहाँ पे, है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब पीरियड्स 1 2 3 4 5 6 7, उनके कुल 6 पीरियड्स थे वहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, मेंडेलीव ने क्या किया, पीरियड्स में भी अरेंज किया, और उसको फोर्थ पीरियड को उन्होंने फर्स्ट सीरीज, फिफ्थ पीरियड को सेकंड सीरीज, और उसको थर्ड सीरीज बोला, ठीक है। उन्होंने सीरीज के अकॉर्डिंग भी अरेंज किया था इन द पीरियड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पीरियोडिक टेबल,
और सब चीज़ इस यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग। तो अगर मान लो आपके पास मेंडेली का पीरियोडिक टेबल हो, क्वेश्चन आ जाए और क्या हो, आपको बोले कि कार्बन का जो है आप ऑक्साइड बनाओ, तो आप क्या करोगे, जाओगे फोर्थ फोर्थ में जाओगे और देखोगे कार्बन कार्बन तो CO2, आपको बोलेगा कार्बन का जो है आप हाइड्राइड बना दो CH4। अब हमको पता है मीथेन होता है, ये है ना। चलिए चलिए, अब अगर आपसे कोई बोले कि नाइट्रोजन का मुझे ऑक्साइड बनाओ, तो आप करोगे जल्दी जल्दी N2O3 बनाओगे स्टूडेंट्स, और बोलेगा हाइड्राइड तो आप NH3 बनाओगे, अमोनिया बना दोगे स्टूडेंट्स ऐसे फटाफट से। मुझे बोलेगा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाइए, तो मैं जाऊँगा एल्यूमिनियम के थर्ड ग्रुप में और मैं देखूंगा Al2O3, ठीक है स्टूडेंट्स, फटाक से बना दूंगा, और मैं AH3 AlH3 बना दूंगा हाइड्राइड्स में, है ना, Ag। और अगर अगर बोला जाए मुझे तो मैं बोलूंगा Ag2O, Ag2O मैं बना दूंगा फटाक से, AgH में बना दूंगा हाइड्राइड्स में। सो ये फटाफट मैं बना सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस मेंडेली पीरियोडिक टेबल। बहुत ही चीज़ें इंटरेस्टिंग, बट भैया जैसे बोलते हैं हर चीज़ एक परफेक्ट नहीं होता है, इनका भी उतना परफेक्ट नहीं रहा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लास्ट में एक जगह तीन तीन एलिमेंट्स को एक साथ रखा था, जहाँ पे देखिए क्या था यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखिए ये 5.87 को पहले आना चाहिए था, फिर सॉरी नहीं नहीं ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, दैट इज इनको भी और इनको भी एटॉमिक मासेस के बेस पे रखा हुआ था इन्होंने, बट काफ़ी सारी इनकी लिमिटेशंस आना शुरू हो गई थी इनके पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ कि बहुत सारी लिमिटेशंस जो थी, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली आपको इसके बाद वाली जो स्लाइड है वहाँ पे आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, आई होप स्टूडेंट्स आप इससे काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं स्लाइड पे और समझते हैं बाकी की चीज़ें। अचीवमेंट क्या क्या थी मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल की वो देखेंगे, फिर लिमिटेशन देखेंगे स्टूडेंट्स। तो अचीवमेंट क्या क्या थी, थ्रू दिस टेबल इट वॉज वेरी इजी टू स्टडी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस एलिमेंट। अभी मैंने आपको ऑक्साइड और हाइड्राइड बना के दिखाया, कितना ईजी था, तो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी का पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो चुका था ड्यू टू दिस टेबल की मदद से, है ना। आप चाहो तो R2O बनाओ, आप चाहो तो RH बनाइए, आप R2O3 RH3, है ना, बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप बना लोगे इन द यूजिंग मेंडेली पीरियोडिक टेबल। अब मेंडेली एडजस्टेड फ्यू एलिमेंट विद अ स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मासेस बिफोर एलिमेंट विथ स्लाइटली लोअर एटॉमिक मासेस सो दैट एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप टुगेदर। तो मेंडेलीव का मानना था कि एटॉमिक मासेस में छेड़छाड़ भी कर दो, लेकिन क्या होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उनकी सिमिलर होनी चाहिए, जो कि उनका लिमिटेशन बना, है ना, क्योंकि उन्होंने अपने ही लॉ को नहीं माना। उन्होंने बोला कि एटॉमिक मास में इंक्रीज में लगाइए, फिर इन्होंने खुद ही वहाँ पर ब्रेक करके बोला कि केमिकल प्रॉपर्टीज वहाँ पर लगाई, तो कुछ एक बात होगी ना। तो जैसे कि एल्यूमिनियम अपीयर्ड बिफोर सिलिकॉन एंड कोबाल्ट अपीयर्ड बिफोर निकिल, है ना, एल्यूमिनियम जो अपीयर हो रहा था बिफोर सिलिकॉन और कोबाल्ट अपीयर हो रहा था बिफोर निकल। देख लीजिए कोबाल्ट कोबाल्ट, देखिए एल्यूमिनियम का कितना है, पहले एल्यूमिनियम 26.98, सिलिकॉन का 28.09, है ना। अब कोबाल्ट का कहाँ है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कोबाल्ट कोबाल्ट कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए कोबाल्ट 58.93, Fe का दैट इज 55.85 और ये देखिए 58.71। तो निकिल कायदे से पहले आना चाहिए था, निकिल कायदे से पहले आना चाहिए था, और निकिल क्या होना चाहिए था, कायदे से पहले आगे आना चाहिए था, ये इसकी लिमिटेशन बनी थी स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। मेंडेलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल, ही प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम मेटल That has not been discovered at that time. His prediction were quite true and elements such as scandium discovered हुआ बाद में जाकर के स्टूडेंट। उन्होंने तीन एलिमेंट का जो प्रिडिक्शन किया था, एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन और इका जर्मेनियम स्टूडेंट, सॉरी इका सिलिकॉन और इका दैट इज बोरॉन इका बोरॉन ठीक है एल्यूमिनियम इका सिलिकॉन इका बोरॉन, इसको बोला हमने गैलियम, इसको बोलिया हमने जर्मेनियम और इसको हमने बोला स्कैंडियम स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ठीक है। चलिए इका जो है संस्कृत वर्ड से आता है, इका बोलते हैं उसको, ठीक है स्टूडेंट्स याद रखिएगा। चलिए मेंडेलीव लेफ्ट सम गैप, ये आपको समझ में आ गया है, गैलियम जर्मेनियम स्कैंडियम जैसे एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए थे, जैसे कि उस वक्त जो है नोबल गैसेस नहीं डिस्कवर हुए थे हीलियम नियन आयनकन, उसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा एक टेबल ही छोड़ दिया था जीरो ग्रुप नेम से अपने जगह छोड़ दिया था स्टूडेंट्स। देख लीजिए जीरो ग्रुप, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए
जीरो ग्रुप, इसके बाद जो है जीरो ग्रुप यहाँ पे आता है, ठीक है स्टूडेंट, जो उन्होंने छोड़ा था, चलिए विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। चलिए आपको समझ में आ गया अचीवमेंट्स क्या क्या थी। अचीवमेंट बहुत ही ईजी चीजें थी, क्या थी उनकी अचीवमेंट, सिस्टमेटिक स्टडी करना ईजी हो गया है ना। चलिए गैलियम जर्मेनियम जैसे एलिमेंट का पहले ही उन्होंने प्रिडिक्शन कर दिया था, एक का सिलिकॉन, एक का बोरॉन, एक का एल्युमिनियम ऐसे करके है ना। गैसेस, नोबल गैसेस की भी प्रिडिक्शन उन्होंने कर रखी थी। लिमिटेशन क्या क्या बना स्टूडेंट्स, तो मेंडेलीव कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट पोजीशन हाइड्रोजन का तो अभी भी नहीं पता है, ठीक है। द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर नॉट सर्टेन अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव। अब मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी अच्छी तरीके से, एक ये इसको मिला था क्योंकि आप कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 को कहाँ अरेंज करोगे स्टूडेंट्स, तो ये वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर गया। एटॉमिक मासेस डिड नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर है ना, ठीक है, कि एक तरफ से ये एटॉमिक मासेस इंक्रीज करते हुए सिर्फ चली जा रही है, वहाँ पे लिमिटेशन आने शुरू हो गए। वॉज नॉट पॉसिबल प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स है ना, कुछ ही एलिमेंट्स वो प्रिडिक्ट कर पाए थे, बट जितना भी किया था वो सही किया था। लिमिटेशन समझ में आ गई, अचीवमेंट समझ में आ गई, एक बार ये पढ़ लेना स्लाइड को, बहुत ही अच्छी तरीके से तगड़े तरीके से क्लियर हो जाएगा तुमको कॉन्सेप्ट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे बढ़ जाओ स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मॉसले जी ने दिया है हमें। हेनरी मॉसले जी, अभी जो हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो किसका बेस है, वो हेनरी मॉसले जी का है, और हेनरी मॉसले ने दिया है प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर के बेसिस को, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर जाकर के एटॉमिक नंबर को निकाला और फिर जाकर उस पर एक्सपेरिमेंट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टूडेंट्स, तो क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन्होंने एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था, दैट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक फंक्शन किसके होते हैं, प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। देखिए यही है उनका आज का पीरियोडिक टेबल जो हम लोग आज स्टडी करते हैं, हाइड्रोजन या हीलियम, इसमें कुल मिलाकर के आपके पास 18th ग्रुप है, 18 ग्रुप है, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 सेवन पीरियड्स है स्टूडेंट, सेवन पीरियड्स और 18th ग्रुप मिला है। फर्दर जाकर के हमने लैंथेनाइड और एस्थेनाइड सीरीज बनाई है, जो कि आप एफ ब्लॉक के रूप में क्लास 11th में पढ़ोगे, और जो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, ये सब भी वहाँ जाके पढ़ोगे, बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, टच ले लेंगे इन सारी चीज़ों का स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, और इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, ये जो पहला ग्रुप है इसको बोलते हैं अल्कलाइन मेटल्स, बी दूसरे वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली, इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली है ना, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली या कैल्कोजिन्स, इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली, और ये है इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस की फैमिली स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ना, बहुत ही सारी इजी तरीके हैं, आप याद रखिए। देखो ये सारे मेटल्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, फिर कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ ये देखिए नॉन मेटल्स और मेटल के बीच में जो है ये मेटलॉइड्स है, फिर यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, ये इनर्ट गैसेस दिए हुए हैं, ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक मेटल से भरा पड़ा है ना स्टूडेंट्स, ऐसे करके मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब की बढ़िया से जगह दी हुई है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसीलिए हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की सिस्टमैटिक स्टडी कर पाते हैं और हमारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ना स्टूडेंट, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे, आगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, भी मैंने बताया दिया कि उसमें 18 ग्रुप और 7 पीरियड थे। ऑल एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पीरियड में जाओगे तो सेम नंबर ऑफ सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो कि शो करते हैं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को, क्या कहा मैंने, जैसे पीरियड में मूव करोगे स्टूडेंट्स तो सबके पास वैलेंस सेल एक उतने ही होंगे, ऐसे ऐसे जब भी जाओगे वैलेंस सेल सेम होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, वैलेंस सेल सबके सेम होंगे स्टूडेंट्स जैसे पीरियड में मूव करोगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन सो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण। थर्ड क्या है, एलिमेंट प्रेजेंट इन अ पीरियड कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल, सेम नंबर ऑफ शेल भी होता है स्टूडेंट्स, उसमें सेम नंबर ऑफ शेल होता है, एटॉमिक सेल होता है ना, जैसे कि के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, तो पीरियड में
मूव करोगे तो शेल जो है सेम ही रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल, और क्या होता है शेल उसका सेम रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है एकदम क्या रहता है यहाँ पे सेल सबका सेम रहता है सेल, इस टाइप से मूव करोगे तो के एल एम एन सेल आपने पढ़ा हुआ क्लास नाइन वो सारा सेम होता है यहाँ पे, ठीक है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। फर्दर जाके आपको पढ़ोगे डी ब्रॉगली लॉ वगैरह, ठीक है जहाँ पे आप लोग पढ़ोगे कि ऑर्बिटल्स के बारे में, एस ब्लॉक पी ब्लॉक एस पी और ऑर्बिटल के बारे में बाद में जाके आराम से पढ़ेंगे, ठीक है अभी तो यहाँ पे जितना पढ़ना है वो पढ़ लेते हैं कि नंबर ऑफ सेल सेम होते हैं एक पीरियड में, है ना, फिक्स बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन इन वेरियस सेल ऑफ एटम, ईच पीरियड मेक अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फील्ड, हर एक पीरियड एक नया इलेक्ट्रॉनिक सेल बताता है और गेटिंग फील्ड यानी कि एक के बाद एक एक ग्रेजुअली इंक्रीज होता है एटॉमिक सेल, ठीक है। चलिए अब आपको पता हो जाना चाहिए कि देखिए अब जैसे ही ऊपर से नीचे आते हैं ना स्टूडेंट्स या फिर ऐसे मूव करते हैं तो सबका सेम सेल है, एच के पास एक ही सेल है के सेल, और हीलियम के पास भी एक ही के सेल है, लिथियम के पास भी एक ही दो के और एल, बोरॉन के पास भी के और एल सेल, ऐसे करके यहाँ पे चलते चला जाता है, ठीक है स्टूडेंट याद रखिएगा ये बात, क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर बढ़िया है, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, और याद रखिएगा ऊपर से जैसे ही नीचे आइएगा ना ग्रुप में तो जो नंबर ऑफ जो वैलेंस सेल है वो सॉरी नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तुम्हारे क्या होने लगेंगे, दैट इज सेम होने लगेंगे, ठीक है। चलिए अभी पहले वो देख लेते हैं कि ट्रेंड्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है वैलेंसी वगैरह, तब वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स क्या क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्लियर करवा देता हूँ, ट्रेंड्स क्या क्या है वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है वैलेंसी क्या होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग स्टूडेंट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी, क्योंकि डिटरमाइन किया जाता है कितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट एटम में, दैट इज क्या हो सकता है मान लो 2, 8, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1 ऐसे करके, तो कितने जो आउटर में सेल में प्रेजेंट है ना। चलिए ध्यान से देखते हैं, द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इज सेम, यानी कि ग्रुप में यानी हाइड्रोजन दैट इज लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम सॉरी कैल्शियम है रुबीडियम सीजियम ये सब का जो है सेम हो जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन का क्या होता है दैट इज आपका 2 होता है ना, तो आपका पता है कि फिल होने के बाद सॉरी इसका 1 ही होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का क्या हो जाता है स्टूडेंट्स 2.1 होता है, सोडियम का 2.8.1 होता है, पोटेशियम का 2.8.1 होता है स्टूडेंट्स, रुबीडियम का 2.8.18.1 होता है स्टूडेंट्स, है ना, सीजियम का 2.8.18.32.1 होता है, तो ऐसे करके ये चलते चला जाता है, ठीक है। तो वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इज सेम, तो वैलेंसी जो हाइड्रोजन की है वही लिथियम की है वही सोडियम की है वही पोटेशियम की है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। फिर बोलता है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर पीरियड इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 और डिक्रीजेस टू 0, यानी कि हाइड्रोजन के बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला चाहता है वैलेंसी के बारे में कि जो है 1 to 4 इंक्रीज करेगा, 1 to 4 इंक्रीज करेगा, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन इंक्रीज किया अब डिक्रीज कीजिए 8 से माइनस करते जाइए, यानी इसका 3, 2, 1 और इसका 0 ऐसे करके, यानी कि यहाँ से इंक्रीज करेगा और जैसे ही चौथे पे पहुँच जाएगा फिर पाँचवें से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है उसकी वैलेंसी स्टूडेंट्स, है ना, 8 से फिर माइनस करने लगते हैं वैलेंसी निकालने के लिए, जैसे सोडियम की वैलेंसी आप +1 बोलोगे, मैग्नीशियम की 2 बोलोगे, एल्यूमिनियम की 3 बोलोगे और क्या बोलोगे सिलिकम की 4 बोलोगे, वैसे फास्फोरस का 5 बोल नहीं बोलोगे, फास्फोरस का 3 बोलोगे, सल्फर का 2 बोलोगे, क्लोरीन का 1 बोलोगे माइनस का, ठीक है स्टूडेंट ये आप समझ में आना चाहिए, 8 से माइनस करना शुरू कर दोगे, ठीक है कब जब फोर्थ के बाद आप लोग पीरियोडिक टेबल में जाओगे एक पीरियड में, है ना। चलिए तो फिर क्या होता है डिक्रीज कर जाता है 0, जो कि आपको पता है कि नोबल गैसेस की 0 वैलेंसीज होती है। आगे बढ़ चलते हैं एटॉमिक साइज स्टूडेंट्स, तो इट रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम को एटॉमिक साइज बोला जाता है इन अ पीरियड, इन अ पीरियड, ठीक है स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जो पीरियड में डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से साइज छोटा होते चला जाता है पीरियड में, यानी सोडियम बड़ा, मैग्नीशियम छोटा, एल्यूमिनियम उससे छोटा, सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन और सबसे छोटा आपके नोबल गैसेस ट्विस्टर तरह से छोटे होते चले जाते हैं, बड़े से छोटे होने शुरू हो जाते हैं पीरियड में, याद रखिएगा क्योंकि न्यूक्लियर इफेक्टिव जेडी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ठीक है। चलिए
अब क्या है, इन ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम, दिस इज बिकॉज एंड मूविंग डाउन न्यू शेल्स आर एडेड. ऊपर से नीचे आओगे ना, न्यू शेल्स एड होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, न्यू शेल. तो इसका वन, तो इसका क्या होता है टू, है ना, इसके कितने थ्री हो जाते हैं, इसका फोर सेल्स हो जाते हैं. तो ऐसे करके नीचे आओगे तो पूरा जो है एटॉमिक साइज इंक्रीज करने लगता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एटॉमिक, आपको पता है कि सेल ज्यादा तो न्यूक्लियर फोर्स कम, तो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और ज्यादा ये मेटल होंगे. ठीक है, दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस विच इज इंक्रीजेस द साइज ऑफ एटम. इसमें जेड ही ज्यादा नहीं लगता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ज्यादा नहीं लगता है, जिसके कारण क्या होता है इसका साइज बड़ा है. वैसे पीरियड में क्या होता है, दैट इज पीरियड में बड़े से बड़ा से छोटा होता चला, सॉरी बड़े से छोटे होते चले जाते हैं. क्यों होते हैं छोटे, आपको मैंने बताया है कि उनपे जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत होता है, लेकिन ऑन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही कम होता है, इसीलिए साइज बढ़ेगा, सॉरी साइज वहां पे बढ़ता है स्टूडेंट्स. चलिए आगे, आगे बोला है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज. तो मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इस पे डिपेंडेंट करती है. ठीक है, ये बाद में आप पढ़ लेना, अभी मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट समझ जाता हूँ कि वो कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है, या एक्सेप्ट कर रहा है. तो उतना ही ज्यादा वो मेटालिक होगा या फिर वो नॉन मेटालिक होगा. जैसे सोडियम, सोडियम से ज्यादा होगा पोटेशियम से ज्यादा होगा रुबिडियम से ज्यादा होगा सीजियम. क्यों होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जो है ये जो है जैसे जैसे नीचे आओगे Zd कम होता है और इलेक्ट्रॉन इजिली लूज हो जाते हैं, ये मोर मेटालिक होगी. ठीक है, वेर एज आप वहां पे ले लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये पूरा ग्रुप ले लीजिए, ये तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को. इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैलेपी बहुत ही ज्यादा है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है ना, तो इसकी क्या होगी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा होगी. वेर एज बीच में जो है सबकी माइल्ड होगी, बीच में जो बाकी क्या है उनकी माइल्ड होगी. लेकिन ये सब क्या करते हैं, जैसे सोडियम होता है 2.8.1, ये इजी छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को. फिर वेरस पोटेशियम 2.8.8.1 है, तो ये क्या करेगा, ये 1 को और ही ज़्यादा इजी से छोड़ देगा. वैसे ही नीचे चलते चले जाओगे तो क्या होगा, ग्रुप में आपका इजीली वो क्या होगा मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है. ग्रुप में मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, पीरियड में मेटेलिक प्रॉपर्टीज घटती है, क्योंकि जेड ही बढ़ता है पीरियड में. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जहां बढ़ा वहां पे मेटेलिक प्रॉपर्टी घट जाती है. तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, बीच में मेटेलिक प्रॉपर्टी कम और लेकिन डाउन द ग्रुप मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी ज्यादा, बट अलोंग द पीरियड मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है और ग्रेजुअली नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती है अलोंग द पीरियड. ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा. तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी मैंने समझा दिया, इसको नोट्स में आपको दे दूंगा, वो पढ़ लेना ध्यान से. चलिए बाकी सब जो चीजें मैंने बताई वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, एलिमेंट विथ इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, और जिसको बोलते हैं बोथ मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दिखाने वाले सेमी मेटल होते हैं, या फिर उसको मेटलॉइड्स बोलते हैं ना. मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड, है ना, आपको ये पता है कि मेटल के पास एक टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग अ बॉन्ड इन नेचर. ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा. और नॉन मेटल के पास है टेंडेंसी एक्सेप्ट करने का इलेक्ट्रॉन का, एक्सेप्ट करने का इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी नॉन मेटल के पास होता है स्टूडेंट्स, और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है स्टूडेंट्स. याद रखिएगा, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मेटल्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं होती है, मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है. ठीक है, तो मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा, वेरस नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि वेरस मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बना रहे. देखो Na का क्या होता है स्टूडेंट्स, 281, 1 को जैसे ही छोड़ा तो Na प्लस केटायन, वही Cl ने लिया 287 और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो Cl एनायन स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा. इसीलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, नॉन मेटल की ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी मेटल की ज्यादा. चलिए केमिकल रिएक्टिविटी स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है केमिकल रिएक्टिविटी. अक्रॉस द पीरियड जो केमिकल रिएक्टिविटी है इंक्रीजेस डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होती है. ठीक है, डाउन द ग्रुप जो है केमिकल रिएक्टिविटी मेटल की इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज ऑन देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि सीजियम बहुत रिएक्टिव है, सोडियम उससे कम रिएक्टिव है स्टूडेंट्स, और हाइड्रोजन उससे भी कम रिएक्टिव है स्टूडेंट्स, है ना. तो जितना नीचे जाओगे पीरियड ग्रुप्स में जितना नीचे जाओगे ग्रुप के नीचे चलते जाओगे तो उतनी ही जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो घटेगी, लेकिन अक्रॉस द पीरियड वो पहले क्या करेगी, घटेगी और डायरेक्टली इंक्रीज करेगी. फ्लोरीन क्लोरीन का देखते हो कितना ज्यादा है, भाई बोरोन और सिलिकन का उतना ज्यादा नहीं है, है ना. तो केमिकल रिएक्टिविटी अक्रॉस द पीरियड ऐसे ऐसे
अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, डिक्रीज होके इंक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है. क्यों? क्योंकि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन के वजह से. ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज डिक्रीज इन द टेंडेंसी ऑफ टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. है ना, वो नीचे जैसे जैसे चलता जाएगा वो जेडी ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा नहीं होगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं गेन पाएंगे. तो मेटल्स के केस में डाउन द ग्रुप जाइएगा तो इलेक्ट्रो जो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी है वो बढ़ेगी, लेकिन नॉन मेटल में जैसे जैसे नीचे जाइएगा वो वहाँ की जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो घट जाएगी, क्योंकि वहाँ पे टेंडेंसी जेडी कम हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को. है ना स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्टिविटी क्लियर हो चुका है. चलिए आगे, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या हो गए स्टूडेंट्स. तो मेटल बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं, जैसे CaO ये बेसिक ऑक्साइड है, वही MgO बेसिक ऑक्साइड है, वही बोलोगे CO2 एसिडिक ऑक्साइड है स्टूडेंट्स. तो नॉन मेटल फॉर्म करते हैं एसिडिक ऑक्साइड और मेटल फॉर्म करते हैं बेसिक ऑक्साइड, ये बातों को ध्यान रखेंगे. कौन एसिडिक फॉर्म करता है दैट इज नॉन मेटल, और कौन बेसिक फॉर्म करता है वो मेटल. सो इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं एंड करता है, और मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता था इसीलिए मैंने आपको एक वन शॉट में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी. आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देखे परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है. सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप आपका साइंस का पोर्शन अब कंप्लीट हो चुका है, तो अब जल्दी जल्दी हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ हम लोग आपके पास आएंगे. वन शॉट एक्सप्लेनेशन देखिए, उसके बाद फटाफट जाकर के उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए. हमारे चैनल पर आपको स्टडी मटेरियल्स नोट्स वगैरह सब अवेलेबल हो जाते हैं. ठीक है, मिलते हैं विद नेक्स्ट वीडियो. Keep subscribing, keep sharing and keep liking our videos. Meeting in the next video. Take care and bye.